सादर प्रणाम सभी को। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तृष्णा गैस परियोजना की। एक नई गैस परियोजना है जिसके विषय में अभी अनुमोदन किया गया है। हम जानेंगे चर्चा क्यों कर रहे हैं, हम जानेंगे राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के विषय में, साथ ही तृष्णा वन्य जीव आश्रयणी यानी कि तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी हम जानेंगे। देखिए शुरू करते हैं कि फिलहाल इस पर चर्चा क्यों की जा रही है। तो चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने त्रिपुरा के गोमती जिले में अवस्थित तृष्णा वन्य जीव आश्रयणी यानी कि तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पड़ने वाली ONGC की तृष्णा गैस परियोजना को अनुमोदित कर दिया है। जो तृष्णा वन्य जीव आश्रयणी है इसमें ONGC ने 10 से 12 कुओं की खोज की है जो कि गैस के कुएं हैं। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड क्या है। तो एक वैधानिक संगठन है जिसकी स्थापना की गई थी वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत, और ये बोर्ड राष्ट्रीय उद्यानों और आश्रयणियों में अथवा उनके आसपास अवस्थित परियोजनाओं का अनुमोदन करने वाला है। इसके साथ ही वन्यजीव से संबंधित मामलों की समीक्षा करने वाला भी एक सर्वोच्च निकाय है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। इसके अलावा इस बोर्ड में 15 गैर सरकारी और 19 पदेन सदस्य होते हैं, साथ ही सचिव स्तर के 10 सरकारी अधिकारी भी इसके सदस्य होते हैं। अब तृष्णा वन्यजीव आश्रयणी क्या है। तृष्णा वन्यजीव आश्रयणी की स्थापना की गई थी 1988 में। इसके अंतर्गत कई भौगोलिक क्षेत्र आते हैं जैसे उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाहरित वन और पूर्वी हिमालय का निचला भनारसाल और आद्र पर्णपाती वन और सवाना वन भूमि। तो ये है संक्षिप्त जानकारी तृष्णा गैस परियोजना से संबंधित। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राज्य से स्थित है और इससे संबंधित विशेष क्या बातें हैं। वन्यजीव जो बोर्ड है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज के वीडियो में छोटा सा ही कंटेंट लेकर आए हैं। अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। अगर हमारे लिए कोई सुझाव है तो आप अवश्य दीजिएगा, हम अपेक्षा करेंगे, क्योंकि हम और आप मिलकर ही इस चैनल को और बेहतर और बेहतर और बेहतर बना सकते हैं। जल्दी मिलेंगे। लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।